अक्सर माता पिता संतान प्राप्ति के लिए मंदिर मस्जिद व गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए जाते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि उनके घर में एक औलाद पैदा हो, लेकिन खुद ही एक माँ अपने बच्चे की कातिल बन जाए तो इसे क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला गांव शेखपुरा खालसा में गठित हुआ है, जहां एक कलयुगी माँ ने अपने हाथों से ही अपने ममता का गला घोट दिया। इतना ही नहीं, महिला ने खुद ही पुलिस को फोन करके घटना की पूरी जानकारी दे दी है। वहीं महिला के मायके वालों ने पूरे मामले में संदेह प्रकट करते हुए पुलिस को निष्पक्षता से जांच करने की मांग की है। आपको बता दें कि गांव बयाना के रहने वाली महिला प्रियंका की शादी शेखपुरा गांव के संदीप के साथ साल 2020 में हुई थी। संदीप पुलिस में नौकरी करता है और चुनाव के दौरान उसकी ड्यूटी कैथल लगी हुई थी। महिला के पति संदीप ने बताया कि उसकी पत्नी पिछले काफी समय से डिप्रेशन में थी और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन प्रियंका ने ये कार्य क्यों कर डाला वो उसकी समझ से परे है। संदीप व उसका पूरा परिवार सदमे में है। खुद प्रियंका द्वारा इस प्रकार का कृत्य करने से परिजनों के अलावा पूरा गांव सदमे में है। वहीं महिला के पिता बीर सिंह का कहना है कि उसकी पुत्री प्रियंका शिक्षित है और वो इस प्रकार का कार्य हरगिज नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि प्रियंका कुछ समय से बीमार अवश्य थी और उसकी दवाई चल रही थी, लेकिन प्रियंका खुद ही अपने हाथों से अपनी ममता का गला घोट दे, ऐसा संभव नहीं है। प्रियंका के पिता ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करते हुए न्याय की मांग की है। मेरी गुड़िया ने यहाँ से एक पूरा भी रखी थी 2020 में 8 मार्च को, शादी करी थी, बड़ी धूमधाम से सारे काम हो गए और उनके पास लड़की भी हुई। थोड़ा दिक्कत आ रही थी भाई, वो कहते हमारे घर में सब कुछ आया, पर लेकिन हमारी गुड़िया ठीक नहीं। मुझे जो ये काम होया मेरी गुड़िया नहीं कर सकती, मैंने पूरा विश्वास है करते जो जांच करी जाए वो पूरे बढ़िया सिस्टम से करी जाए, कैरी से करी जाए और इसमें मुझे तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ। पुलिस सूत्रों के अनुसार महिला प्रियंका ने आज सुबह डायल 112 पर फोन करके बताया कि उसने खुद ही अपनी 7 महीने की बच्ची का गला घोट दिया। जैसे ही पुलिस को इस मामले की सूचना मिली, पुलिस तुरंत ही गांव में पहुंच गई और महिला के घर जाकर पूरी जानकारी लेते हुए महिला को अपने हिरासत में ले लिया। जैसे ही इस घटना की जानकारी गाँव के लोगों को लगी, बड़ी मात्रा में ग्रामीण संदीप के घर पहुँच गए और तरह तरह की चर्चाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया। आज सवेरे इन्फॉर्मेशन आई थी बच्चे की जो मदर है प्रियंका, उसने ये फोन किया है, 112 को कॉल करी थी भी मैंने अपनी बेटी का और गला घोट के मार दिया। प्राप्त हुई है जी, कुछ पता लगा कैसे मारी है, किस तरह गला घोटा है? गला घोटा है ये कह रही है, बात आई थी सामने भी, तब भी मैं अपने बच्ची को नहीं रख सकती, तो अभी उसकी जाँच जा रही है किस कारण हुई है जी। कितने महीने की बच्ची है सर? 7 महीने की बच्ची है। तो महिला को रेस्ट वगैरह कर लिया? नहीं, अभी रेस्ट नहीं किया जी, हम बच्ची का पहले करवाएंगे जी। सत्य खबर के लिए घरौंडा से गुरदीप रंगा की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।